अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज एंड आई एम डॉक्टर आबिद नवाज। आई होप दैट यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल, बट इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, सो दैट यू कुड हैव ऑल ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज वेल इन टाइम। नाज़रीन मोहतरम, हम आज अपने बिगनर्स के लिए, जो इंग्लिश लर्नर्स हैं, उनके लिए कुछ बात करेंगे। और आज हमारा मौजू है टेंस की दूसरी किस्म, जिसे हम कहते हैं ज़माना माजी, यानी पास्ट टेंस। नाज़रीन, पास्ट टेंस जो है, इसकी भी प्रेजेंट टेंस की तरह चार हालतें होती हैं। पास्ट इंडेफिनिट, फर्स्ट वन इज़ द पास्ट इंडेफिनिट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड पास्ट सिंपल। सेकंड इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस, यानी फेल माजी जारी। एंड थर्ड इज़ पास्ट परफेक्ट, यानी फेल माजी मुतलक। और चौथी है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी फेल माजी मुतलक जारी। तो अब इसकी हम जो है वो चंद मिसालें पेश करेंगे, ताकि तलबा को पता चले कि हम इस टेंस को कैसे समझते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि इस टेंस का जो फर्स्ट काइंड हमने बयान की, पास्ट इंडेफिनेट, इसके उर्दू के जुमले को अगर आप पहचानना चाहें, तो उसकी पहचान ये होती है कि इसके उर्दू के जुमले के आखिर में अलिफ, छोटी ये या बड़ी ये आती है। जैसे असलम ने ख़त लिखा, अब इस जुमले के आखिर में अलिफ है। इसी तरह सलीम ने ख़त लिखे, ठीक है, अब इसके आखिर में बड़ी ये आ गई। इसी तरह अकरम ने किताब पढ़ी, इसके आखिर में छोटी ये आ गई। तो ये अब आपको पता चल गया कि इसकी पहचान करने के लिए उर्दू के हवाले से हमारे पास ये एक कुलिया है कि इसके जुमलों के आखिर में अलिफ, छोटी ये या बड़ी ये आती है। अब नाज़रीन, पास्ट इंडेफिनेट जो है, या पास्ट सिंपल जो कहलाता है, अगर हम उसका जुमला बनाएंगे तो हम इस तरह से इसका जुमला बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के अली ने ख़त लिखा, अली रोट अ लेटर, ठीक है। ख्याल रहे कि इसके सिंपल जो पास्ट टेंस है, उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, ठीक है। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं नाज़रीन, कि जब इसका सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाया जाए, तो उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ करने की बजाय डिड का इस्तेमाल किया जाए और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाए। तो ये जुमला ज़्यादा बेहतर इस तरह से है, अली डिड राइट अ लेटर, अली ने एक ख़त लिखा, अली डिड राइट अ लेटर। वैसे तो ये इस तरह भी ठीक है, अली रोट अ लेटर, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि डिड का इस्तेमाल करके, यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके इसको यूँ बनाया जाए, अली डिड राइट अ लेटर। तो ये पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल है। इसे माजी जो है वो करीब कहा जाता है। इसमें ये होता है कि फेल के बारे में ये नहीं मालूम कि इसको किए हुए कितनी देर हो गई है, यानी वक्त का तायुन नहीं है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम इसकी दूसरी फॉर्म में लेकर जाएंगे, तो दूसरी फॉर्म क्या है, अली ख़त लिख रहा था, तो क्या होगा, अली वॉज राइटिंग अ लेटर, अली वॉज राइटिंग अ लेटर। इसके हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं, ये माजी मुतलक, सॉरी माजी फेल माजी जारी है, यानी इसमें काम जारी है, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, ठीक है। तो लिहाजा इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी इस्तेमाल करते हैं, यानी राइट फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो यहाँ पर हमने राइटिंग लिखा, तो यानी आईएनजी उसके साथ ऐड किया है, अली इज़ राइटिंग अ लेटर, इसमें काम यानी जारी है अभी, ठीक है। तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं वाज और वर। अगर आपका सब्जेक्ट जो है, यानी डूअर जो है, वो अगर सिंगुलर है, तो उसके लिए हम वर्ब इज़ इस्तेमाल करेंगे,
और अगर डूअर जो है वो प्लूरल में हैं तो फिर हम वहाँ पर आर करेंगे। यानी अगर यहाँ हम ये कह दें कि लड़के खत लिख रहे हैं लिख रहे थे, तो फिर हम कहेंगे द बॉयज वर राइटिंग द लेटर, ठीक है, तो वहाँ पर वर हो जाएगा। तो ये फेल माजी जारी है, इसमें काम अभी जारी है, इसलिए हम इसमें इसको पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहते हैं और इसमें वाज और वर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब इसी फेल की तीसरी किस्म को देखिए, उसे हम कहते हैं फेल माजी मुतलक, यानी जिसमें काम मुकम्मल हो चुका होता है उसे कहते हैं मुतलक, तो इसे पास्ट परफेक्ट कहते हैं। और इसके उर्दू की जुमले की आखिरी जो है पहचान जो है उसके आखिर में ये आता है रहे थे, रही थी, रहे थे वगैरह, ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पर हम इसी सेंटेंस को इस फॉर्म में बनाते हैं कि लड़के खत लिख रहे थे, द बॉयज सॉरी द लड़के खत लिख चुके थे, ठीक है, द बॉयज हैड रिटन द लेटर, द बॉयज हैड रिटन द लेटर, या हम कहें कि अली खत लिख चुका था, द अली हैड रिटन द लेटर। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है नादरीन, हैड, ठीक है। आपका जो डूअर है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो भले सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें आपका वर्ब जो है वो सेम ही रहेगा, द अली हैड रिटन अ लेटर या द बॉयज हैड रिटन द लेटर, ठीक है। तो इसमें वर्ब की जो फॉर्म होती है वो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, डूअर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड ही आएगा। और इसका मतलब ये होता है मुतलक फेल का कि इसमें काम मुकम्मल हो चुका है, ठीक है, काम मुकम्मल हो चुका है, खत लिखा जा चुका था, ठीक है, तो इसलिए फेल मुकम्मल हो चुका होता है। अच्छा, इसकी चौथी किस्म जो है जिसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, उसका ये होता है नाज़रीन कि उसके उर्दू के जुमले की पहचान जो होती है कि इसमें ये कंटिन्यूअस की तरह ही होता है लेकिन इसमें वक्त की कैद होती है साथ में कुछ, ठीक है, जैसे अली आधे घंटे से खत लिख रहा था, ठीक है, अब वक्त की कैद है और फेल अभी जारी है, ठीक है, तो इसे इसीलिए फेल मुतलक जारी कहते हैं, यानी फेल अभी जारी है और ये फेल माजी मुतलक जारी है। अली खत लिख रहा, आधे घंटे से खत लिख रहा था, अली हैड बिन राइटिंग अ लेटर फॉर हाफ एन आवर, ठीक है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बिन होता है, ठीक है, और वक्त के बारे में अगर तायुन कर दिया जाए कि फलां तारीख से, जैसे वो 3 जनवरी से इस मकान में रह रहे थे, दे हैड बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 3 जनवरी 2021। अब इसमें एक हमने शार्प पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, तो जहां पर शार्प पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया जाए वहां हम सिंस यूज़ करते हैं, और जहां शार्प पॉइंट ऑफ टाइम ना दिया जाए वहाँ हम फार इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने ये दो जुमले अलग अलग आपको बताए कि द अली हैड बिन राइटिंग अ लेटर फॉर हाफ एन आवर, तो अब इसमें टाइम का कोई तायुन नहीं था, आधा घंटा कौन सा था, किस वक्त का था, तो इसलिए हमने वहाँ पर फार लगाया। और जहाँ पर हमने मकान के बारे में कह दिया कि वो 3 जनवरी 2021 से वहाँ रह रहे थे, वहाँ हमने सिंस लगाया। तो ये दो बातें इसमें याद रखने की हैं कि इसमें सिंस और फार का इस्तेमाल होता है, और इसमें भी फेल जो है वो जारी होता है लेकिन ये नहीं पता होता कि कितनी देर पहले से जारी है। हाँ, अगर एग्जैक्ट टाइम शार्प पॉइंट बता दिया तो फिर सिंस आएगा, और अगर नहीं बताया तो फिर फार आएगा, और ये फेल माजी मुतलक जारी होता है, और ये फेल माजी की चौथी किस्म है। तो नादरीन, ये था पास्ट टेंस के बारे में आज हमारी गुफ्तगू। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि मैं कुछ बातें आप तक पहुंचाने में कामयाब रहा हूँगा, और आप हमारी ये वीडियो लाइक करेंगे और इसके बारे में अपनी राय से भी आगाह करेंगे। तो नादरीन, नाउ लेट मी लीव, इफ लाइफ एंड हेल्थ परमिट्स आई विल बी विद यू विद माई नेक्स्ट रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह। टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑफ योर बिलवर्ड्स। मे अल्लाह ब्लेस अस ऑल। अल्लाह हाफिज़।